जिला मुख्यालय धर्मशाला के इंद्रू नाग पैराग्लाइडिंग साइट में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो गई है। पैराग्लाइडिंग शुरू होने पर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू करने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया गया है। जिला मुख्यालय धर्मशाला के इंद्रू नाग पैराग्लाइडिंग साइट में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सभी पैराग्लाइडर पायलट को दिशा निर्देश जारी करते हुए एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिसके तहत पैराग्लाइडर पायलट व पर्यटक को मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त लैंडिंग के उपरांत पैराग्लाइडर पायलट और साथ में उड़ान भरने वाले पर्यटक को सीट को सैनिटाइज करना प्रमुख रहेगा। शनिवार से शुरू हुई पैराग्लाइडिंग की सूचना मिलते ही काफी संख्या में बाहरी राज्यों के पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए धर्मशाला पहुंचे थे। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के पर्यटक जो कि साहसिक गतिविधियों का शौक रखते हैं, इंद्रू नाग पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग के रोमांच से रूबरू होने पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खोल दिए गए हैं। किसी भी तरह के पास, रजिस्ट्रेशन या कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता अब पर्यटकों को नहीं है। उसी के चलते अब पर्यटक निश्चिंत होकर हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। देखिए, पैराग्लाइडिंग हर साल जो है 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो है, जो मॉनसून का जो सीज़न होता है उसमें बंद रहती है। इसी प्रकार इस बार भी 2 महीने ये बंद रही थी और अब जो है सभी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशंस को पैराग्लाइडिंग को दोबारा से चालू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। परंतु क्योंकि कोविड के का समय है और हमें अपने बचाव भी करना है और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इंश्योर करना है कि उनका भी बचाव रहे और उनको भी हम सेफ तरीके से फ्लाई करवाएं, उसके लिए कुछ एसओपीज़ जो है वो विभाग द्वारा जो है जारी किए गए हैं, जिसकी कॉपीज़ इनको सर्कुलेट भी की गई है और मैंने पर्सनली भी सबसे बात की है इन एसोसिएशन के मेंबर्स से। इसमें अलग अलग तरह के एसओपीज़ हैं, जिसमें कि जो पायलट्स हैं उनके वो हर वक्त जो है वो मास्क, ग्लव्स और हो सके तो फेस शील्ड्स मिनिमम इस्तेमाल करके ही फ्लाई कराएंगे। उन सब के टेम्परेचर्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, फ्लाइट लेने वाले के भी, फ्लाई कराने वाले के भी और टूरिस्ट के भी जो फ्लाई करना चाहता है। इसके अतिरिक्त हर फ्लाइट के बाद जो इक्विपमेंट है, फ्लाइंग इक्विपमेंट है, उसको प्रॉपरली जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोडेड होनी ही चाहिए उनके मोबाइल्स में जो टूरिस्ट होंगे। और इसके अतिरिक्त इस तरह के और छोटे छोटे कई इस तरह के एसओपीज़ हैं जो इनको बताए गए हैं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन वालों को, ताकि ये जो फ्लाइंग है ये सेफ तरीके से करवाई जाए। पर्यटकों ने बताया कि पर्यटन स्थलों के भ्रमण और पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग के लिए वे धर्मशाला पहुंचे हैं। पैराग्लाइडर पायलट का कहना है कि काफी समय से घर पर बैठे थे, अब साहसिक गतिविधियां शुरू होने से और बॉर्डर खुलने से उन्हें आय की आस जगी है। मैं पिछले 10 साल से फ्लाई कर रहा हूं और पिछले लास्ट 6 महीनों से कोविड के चलते ये पैराग्लाइडिंग बंद थी, तो हम सभी फ्री थे। अभी खुशी है और धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने वापस ये बॉर्डर्स खोल दिए हैं और हमारी पैराग्लाइडिंग भी ओपन हो गई है। से हम सब लोग, जितने भी लोग बैठे थे उनको सबको रोज़गार मिला है, दोबारा से रोज़गार खुला है, लोग आना शुरू हो गए हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ से कम 7 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। इंद्रनाग जो धर्मशाला एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब है, इसके अंतर्गत हम काम करते हैं और भी जैसे एक्टिविटीज़ है, जिप लाइन भी करवाते हैं और ट्रैकिंग वगैरह के सभी काम करते हैं। इतने दिनों से कोविड के चलते जो काम बंद था, अभी जो हमारी भारत हिमाचल सरकार ने जो अभी इसको जो इसकी गतिविधियों को इजाज़त दी है शुरू करने की, उससे हम हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, दुकानदार हैं, सभी के लिए ये एक मौका होगा काम करने का दोबारा से, क्योंकि 8 महीने से बिल्कुल कोई काम नहीं था। क्योंकि जो हिमाचल की जितनी भी जगह हैं वो डिपेंड करती हैं टूरिज़्म पे, और ये पूरा बंद होने के कारण सभी की आजीविकाओं पे भी असर पड़ा है और काफ़ी जो माली हालत है वो ख़राब हुई है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सभी के लिए अच्छा ही होगा जो भी काम शुरू किया है। तो लंबे समय बाद शुरू हुई साहसिक गतिविधियों के लिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।